हाय फ्रेंड्स, मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ आर्ट एंड टिप्स में। तो फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे आने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ऐसा क्रिएट करूँ जिसमें कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सको वैलेंटाइन डे के थ्रू। तो मैंने एक थोड़ा सोचा कि एनिमेशन क्रिएट करना बताते हैं कि आप वैलेंटाइन डे पे एक एनिमेशन कैसे क्रिएट करो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका आप मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो। अगर आप कई बार कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ अगर प्रमोशन करना चाहते हो तो, या कोई वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग मैंने कैसे बनाया है। उसमें मैंने पार्टिकल सिस्टम, मैंने आपको दो तीन चीज़ सिखाऊंगा, जैसे पार्टिकल सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, इमेज मॉर्फिंग कैसे यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा बीवल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि ब्लेंडर में शायद 2.3 या 2.4 में से 2.74 में आया था। तो ये है हमारा डिफॉल्ट सीन। दोबारा डिफॉल्ट स्टार्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एन फिर आई स्टार्ट डिस्प्ले। अब यहाँ दिखता रहेगा मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। ये हमारा डिफॉल्ट सीन है। तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, एक दिल चाहिए और बाकी आई लव यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसमें कैमरा सेटअप करूँगा। वी में आते हैं, कैमरा सॉरी एन प्रेस करता हूँ मैं, लॉक टू कैमरा व्यू एन प्रेस करते हैं। ऐसे आप कैमरा व्यू को मतलब लॉक कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करते हैं और आज मैं थोड़ी लाइटिंग बताऊंगा कि लाइटिंग कैसे क्रिएट करनी है। तो कैमरा व्यू के लिए सेटअप सही हो गया हमारा कि अब कैमरा जो होगा हमारा ऐसे आएगा और ये सारे सीन जो हमारा उसके बीच में होगा। तो एन प्रेस कर लेते हैं, दोबारा ये बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिल बनाते हैं। तो शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं और माउस का मिडिल बटन, और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर। तो आप शिफ्ट प्रेस करके ऊपर नीचे कहीं ड्रैग कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस और एक साथ माउस का मिडिल बटन। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक हार्ट। हार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, इसका क्यूब का यूज करूँगा। तो इसका करते हैं फ्रंट व्यू, तो कोई ऐसे बटन नहीं है बहुत सारे। तो अभी वायर फ्रेम में आते हैं, यस प्रेस करता हूँ एक्स डायरेक्शन में 1.7, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसे। फिर टैप प्रेस करके एडिट मोड में आते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, एंटर एंटर। ये मैंने लूप किया है बीच में, और इसे थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं हार्ट बनाने के लिए। इतना सही है, ठीक है। अब देखो एक नया फंक्शन है इसमें बेवल। बेवल कुछ बाद में आया है लेकिन मतलब सही बहुत अच्छा फंक्शन है। तो मेक श्योर कि आप ये बटन प्रेस किए रहो, एज वाला सेलेक्ट, ये एज सेलेक्ट करना है आपको, और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला सॉरी ये, और सिर्फ प्रेस किए तभी आपने दो एज सेलेक्ट कर दिए हैं। अब फ्रंट व्यू में ऐसे बिल्कुल ले आते हैं, और अब आप देखो कंट्रोल बी प्रेस करना है आपको बेवल करने के लिए, कंट्रोल बी। अब देखोगे आप माउस में लेके आ रहा हूँ तो ये मुड़ा है माउस आगे पीछे ले जाने से। अब मैं इसका व्हील अगर मैं रोटेट करूँगा, जितना रोटेट करता रहूँगा इतने राउंड होता रहेगा। तो एक लेवल लेके आते हैं, वहाँ पे रोटेट करना छोड़ देते हैं, मैं इतना छोड़ देता हूँ यहाँ पे, मुझे सही लग रहा है ये, ठीक है। तो ये इस साइड में हो गया बेवल से। अब सेम हमें तरीका ऊपर से भी अपनाना है, ऊपर से बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। फ्रंट व्यू एंड ऑर्थो 5, ये देखो दोस्तों ये बराबर हो चुका है। ऊपर से भी मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया और इस साइड से सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर आते हैं फ्रंट और सॉरी और इससे मैं देखने में आसानी होगी कि मतलब फिर सेफ हो रहा है कि नहीं। फिर प्रेस करेंगे हम कंट्रोल बी,
और फिर हम इसको रोटेट करते जाएंगे। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई इसके साथ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, पहले थोड़ा ऊपर खींच लेता हूँ इसे, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तिरछा हो रहा था। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं और फिर आता हूँ मैं फ्रंट व्यू में, फिर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। हाँ, अभी देखो आपका सेप सही आ गया। ये कुछ ज़्यादा नीचे हो गया था, आप इसको भी ऊपर कर सकते हो सिलेक्ट करके, अगर आपने वीडियो देखी है तो। यहाँ छोड़ता हूँ मैं। अब आते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, ये देख सकते हो दिल का शेप आ चुका है बिल्कुल इसका, कि दिल लग रहा है, कि दिल है ये। ये थोड़ा मोटा हो चुका है, इसको यस प्रेस करते हैं, वाई प्रेस करते हैं और माउस को पास लेके आते हैं, इसे थोड़ा छोटा हो जाए। तो अभी मैं फ्रेंड्स मतलब सिंपल सा ही दिल बना रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा आप वो करोगे यूज, मतलब कि अगर ज़्यादा इसको मॉडिफाइड करना चाहते हो, ज़्यादा इसको स्मूथ करना चाहते हो, केवल अगर दिल को क्लोजली दिखाना चाहते हो, तो सिंपली आकर के आप यहाँ से सब डिजाइन सरफेस यूज कर सकते हो। लेकिन मैं अभी नॉर्मली ये यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इसमें पार्टिकल यूज करना है, पार्टिकल आपका सिस्टम को स्लो कर देगा। तो आप इसमें नॉर्मल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। तो दिल मैंने क्रिएट कर लिया है, अब मैं इसका कैमरा भी देख लेता, कोई कैमरा भी नहीं देखता मैं, इसको यहाँ से स्मूथ सेट दे सकते हो, स्मूथ हो जाएगा, तो फेड भी कर सकते हो। तो आइए इसका रेंडर भी देख लेते हैं, रेंडर भी कैसा दिखता है। ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमने एक दिल क्रिएट कर लिया, यहाँ लाइटिंग एक लगा दी है, दिल को हम एक कलर दे देते हैं रेड, नॉर्मली रेड ही होता है, रेड होता है दिल, थोड़ा डार्क रेड देता हूँ मैं। तो ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है रेड। तो अब मैंने क्या किया कि एक दिल बनाया, उसको मैंने रेड कलर दे दिया, इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल सॉरी इसकी तो ऐसे है, ये स्पेकुलर मैं कम कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, स्पेकुलर में सही नहीं लग रहा। स्पेकुलर कम करने के बाद थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। तो जो हमारी मॉडलिंग करनी थी, हमने मॉडलिंग कर ली, अब हमें इसके बाद केवल सारे पार्ट्स में ऐड करने हैं। तो ये दिल हमें चाहिए होगा, तीन चाहिए होंगे दिल, तो यहाँ से आकर इसका नाम चेंज कर लेते हैं, HERT हर्ट, ठीक है, हर्ट वन हो गया इसका नाम, सॉरी HERT हर्ट वन। इससे फायदा होगा कि मतलब यहाँ से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे आगे कुछ करना है तो उसके लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, मुझे इसके दो पार्ट कर, मुझे तीन चाहिए, तो मैं शिफ्ट डी कंट्रोल डी करूँगा, शिफ्ट डी, डुप्लीकेट हो गया, एक्स डायरेक्शन में फिर शिफ्ट डी कर लेता हूँ मैं, तीन, तीन हर्ट हो गए, दो का काम है हमें, एक और हमारा काम करेगा पार्टिकल में। तो सबको रिनेम कर देते हैं, इसका नाम है HERT हर्ट टू, हमेशा ये राइट क्लिक से सिलेक्ट होता है, और ये हमारा है पार्टिकल HERT। तो तीन हर्ट हो चुके हैं, अब मैं जाता हूँ कैमरा व्यू में, व्यू कैमरा, तो ये पार्टिकल हर्ट है, इसको जी से प्रेस करके यहाँ पे लाके रख देते हैं, जो कि हमारे मेन सिस्टम से बाहर है, नहीं बाहर नहीं हो रहा, मैं ऐसा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे तीन सिस्टम मतलब आपको ये सारा कुछ लिखना है जो कि हम कर सकते हैं। इसका आपको मैं रेंडर व्यू दिखाता हूँ, रेंडर व्यू आपको ऐसा दिखेगा, कोई लाइटिंग दिखी, उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल तरीका है सही करने का लाइटिंग। आप यहाँ पे आओ वर्ड में, एम्बिएंट लाइटिंग पे क्लिक कर दो, जैसे आप क्लिक करोगे देख रहे हो कि आप जो लाइटिंग से अपने आप ही सुधर चुकी हैं, चारों तरफ से लाइटिंग सही है, कोई इशू नहीं आ रहा लाइटिंग में, ठीक है। तो सिंपल तरीका है,
ब्लेंडर एंडर यूज़ कर रहे हो आप, एम्बिएंट लाइटिंग यूज़ कर रहे हो, यहाँ से लाइटिंग सही हो जाएगी। अब हम कैमरे में सेटअप स्टार्ट करते हैं इसका, ये दोनों हाथ थोड़े छोटे कर लेते हैं उनको। ये सही है। तो अभी हमारे सीन में क्या क्या होगा, दो हार्ट हैं, ये वाला दो हार्ट रहेंगे, एक ये और एक ये, और हमें लिखना है आई लव यू। तो उसके टेक्स्ट चाहिए होगा हमें, तो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ सिप्टे टेक्स्ट आर वाई वाइस काम कर रहा एक्स, हाँ एक्स 90। टैप प्रेस करते हैं, आई लिख देते हैं कैपिटल में, टैप से बाहर आ जाते हैं। फिर दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं शिफ्ट ई टेक्स्ट आर एक्स 90 ए, टैप प्रेस करते हैं लॉक। फिर टैप से बाहर आते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर तीसरा टेस्ट आर एक्स 90 रोटेट करने के लिए ये, फिर टैप प्रेस करते हैं, वाई ओ यू लिखते हैं, फिर टैप से बाहर आते हैं, फिर शिफ्ट प्रेस करते हैं। चौथा टेस्ट अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखेंगे आर एक्स 90 सीधा करने के लिए टैप प्रेस करके, लेकिन मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिखने वाला हूँ आर टी ई सी एच टी एल टी एस टैप। मैं स्पेलिंग हमेशा गलत करता हूँ चैनल की, मुझे ये कैप्शन में लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इसको नीचे लेके आते हैं, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ रहेगा जी, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि मतलब आपको कहाँ रखना चाहते हो। तो इनकी साइज बढ़ा देते हैं, शिफ्ट सेट करते हैं, सबको सेट कर लेते हैं, एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये थोड़े बड़े भी हो गए, अब इसको और बड़ा कर लें यस, क्योंकि मेन तो भाई नाम यही है। एक्स थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा ये। तो अभी हमने सेटअप कर लिया सारा कुछ की, मतलब हमारे पास ये होना चाहिए सारी चीज़ें, और ये दो हार्ट होने चाहिए और आई लव यू होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस पर काम कैसे करेंगे कि अब हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट रहेगा, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे और इन सबको एनिमेट करेंगे, और लास्ट में पार्टिकल सिस्टम से हार्ट से ये लिखेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, और हमें इसके अलावा एक और क्यूब चाहिए होगा जो कि पार्टिकल सिस्टम को एनिमेट करेगा, जो कि एक कंट्रोलर होगा। तो इसका नाम रख देते हैं पार्टिकल कंट्रोलर। तो अभी मेरे पास आ चुका है जो कि हमें लिखना था, और अभी लिख दिया है हमने, ये लिख दिया नाम लिख दिया है, और यहाँ पे लिया है, और ये लिख दिया है, और पार्टिकल कंट्रोलर लिख दिया है। अब आइए टेस्ट को हम एक साइज दे देते हैं, मटेरियल दे देते हैं, इसे दे देते हैं हम ग्रीन, लव को दे देते हैं
पिंक सा, और हाँ इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा इमिट करा देते हैं मत से 0.5, तो देख सकते हो थोड़ा सा अगर इमिट करा रहा हूँ इसे तो ये कुछ ज़्यादा ही निखर के आ रहा है। यार ये थोड़ा उल्टा लिख नहीं दिया मैंने, आई लव सॉरी इसके लिए आई लव यू होगा। लव को कर देते हैं रेड और इसकी इंटेंसिटी लिमिट कर देते हैं 1। तो ये हो गए सर आपके 3 हो गए ये कलर्स जो कि यहाँ पे आपके करेंगे। ये हमारा आर्ट एक टिप्स है, तो इसको हमें थोड़ा सा ये करना है कि आर्ट एक मेरा गर्लफ्रेंड का नाम आपके, तो अभी हम आते हैं टॉप व्यू पे, यहाँ से टॉप व्यू इसे थोड़ा सा करते हैं स्ट्रूट, यहाँ से देख सकते हो आप स्ट्रूट करते ही थोड़ा सा चौड़ा होगा। ऑफसेट्स क्रिएट करते हैं थोड़ा सा अलग लगे, ऑफसेट 0.2 सही है यार, 0.02 सही है, ठीक है ठीक लग रहा है। तो थोड़ा सा चौड़ा हो चुका है जिससे कि मतलब देखने में अच्छा लगेगा, और इसे भी मटेरियल दे देते हैं आप मटेरियल कोई दे सकते हो जो कि आपकी गर्लफ्रेंड का जो फेवरेट कलर होगा वो दे सकते हो इसके अंदर आप। मैं इसे देता हूँ गोल्डन, व्यू देख लेते हैं कैमरा व्यू कैसा दिख रहा है। या इसे भी हर्ट का कलर देते हैं, इसे हर्ट का कलर दे देते हैं। हर्ट में कौन सा कलर है, हर्ट में मटेरियल है, इसे देते हैं मटेरियल। तो अभी हमारा जो सेटअप था कि मैंने तुम्हें ये चीजें दिखानी है वो सारा कुछ सेट हो चुका है, और इसके पीछे बैकग्राउंड क्रिएट कर देते हैं। बैकग्राउंड में क्या होगा, आप बहुत सारे लोग हैं जैसे मुझसे क्वेश्चन मतलब कैसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछा है, या मैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि बैकग्राउंड कैसे ऐड करें अगर हम ब्लेंडर रेंडर यूज़ कर रहे हैं। तो साइकिल में तो कर लेते हैं आसानी से वर्ड में आकर के, लेकिन ब्लेंडर रेंडर यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए इसलिए तरीका ये है कि आप यहाँ पर आओ, एन प्रेस करके यहाँ आना है, बैकग्राउंड इमेज में जाना है, ऐड इमेज ओपन करो आप, टेक्सचर मैंने क्या कर रखा है इसमें लव बिजी, ये देखो आप ये ऐसे दिखेगा। लेकिन अभी अगर आप इसको रेंडर करोगे तो दिखेगा नहीं आपको रेंडर में, रेंडर पे दिखाता हूँ आपको मैं, बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा। इसको दिखाने के लिए क्या करना होगा, आपको वर्ड में आना होगा, पेपर स्काई सेलेक्ट करना होगा, फिर टेक्सचर्स में जाना होगा, यहाँ सेलेक्ट करके इमेज टेक्सचर आ गया, यहाँ से भी जो लव बिजी है ये सेलेक्ट कर देना है आपको, और नीचे आके इन्फ्लुएंस जो लिखा हुआ है उसके नीचे ये है ये सिलेक्ट कर देना है। अब आप अगर एंटर करोगे तो बैकग्राउंड में ये बिल्कुल साफ दिखेगा, तो आप देख सकते हो आपको दिख रहा है, सही दिख रहा है ये। तो यू थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, तो यू को थोड़ा सा वो कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, और इसमें खास बात और है कि आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये फॉन्ट आपको नहीं लग रहा है, कोई दूसरा फॉन्ट यूज करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें फॉन्ट में के जो फोल्डर होता है आपका, उसमें लैपटॉप के अंदर फॉन्ट फोल्डर होता है, वहाँ जा करके इस सी प्रोग्राम्स में डेटा में फॉन्ट में जाकर चेंज कर सकते हो जो फॉन्ट आपको चाहिए, नहीं तो नॉर्मली रेगुलर आपको ये फॉन्ट मिलेगा। तो मैं भी रेगुलर यूज कर रहा हूँ, बाद में दूसरा यूज करेंगे। तो अभी क्या है हमारा सीन की पहले ये दोनों हर्ट हैं,
ये इस साइड से आ रहा है और ये इस साइड से आ रहा है, यहाँ सामने मिलते हैं, मिलने के बाद ये वापस चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर ये आई लव यू लेके आता है और एक हट यहाँ रुका रहता है। ठीक है, तो आइए ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो में यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसको खुलाते हैं, ये दोनों हार्ट हमने बाहर निकाल दिए सीन से। यहाँ गए आई प्रेस किया रोटेशन लोकेशन, यहाँ गए आई प्रेस किया रोटेशन लोकेशन। ये अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, मैं 30 फ्रेम्स यूज करूँगा कुछ अच्छे इमेज के लिए, और इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, इसका नाम रख देते हैं वैलेंटाइन, ऐसे कुछ नाम रखते हैं वैलेंटाइन। अभी देखो आपका ये जो है सब दोनों में की फ्रेम आ चुकी है और ज़ीरो पे यहाँ पे है, तो 1 सेकंड के बाद ये आएंगे और यहाँ पे मिलेंगे। तो 1 सेकंड कितनी देर में होगा, अगर मैं 30 फ्रेम्स यूज कर रहा हूँ तो 30 फ्रेम्स में 1 सेकंड होगा। तो यार 30 फ्रेम्स में ऐड करता हूँ, तो अब मुझे 30 पे ऐड करना है। ये यहाँ से आते हैं और ये यहाँ से आता है जी एक्स, थर्टी पे 40 कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, अभी हमने कोई की फ्रेम नहीं दिया था, इस पे से पीछे चला गए। अभी देखो आप ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं इस टाइम पे। तो हाइड करने के लिए आपको केवल आना है यहाँ पे, ये क्लिक कर दो आप, ये हाइड हो गया। इसके बाद हम यहाँ से ला करके इसको यूज करेंगे, तभी हम हार्ट को एनिमेट करते हैं। तो 40 पे मैंने यहाँ सेट किया, फ्रेम पे गया, फिर दोबारा आई मैंने डाला, आई रोटेशन लोकेशन स्केल सब कुछ यहाँ पे 40 सेकंड पे यहाँ पे लॉक हो गया। तो अभी प्रेस करूंगा तो 40 सेकंड पे यहाँ आ जाते हैं। 40 के पहले क्या करते हैं, 38 पे इनको और पास लेके आ जाते हैं। टच करा देते हैं और अभी आई तो अभी क्या होगा, आएंगे ऐसे टच करेंगे कैसे अलग हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये 45 पे, फिर पास आएंगे तो फिर की फ्रेम ऐड कर देते हैं इसमें, और 1 सेकंड ले या आधा सेकंड, आधा सेकंड लेते हैं, 45 + 15 = 20 ले लेते हैं, आधा सेकंड ज्यादा। Ctrl Z, I, सेवेंटी पे ये नीचे आएंगे साथ में, I, अभी दोनों में की फ्रेम आ चुका है 70 में, नीचे दोनों एक साथ आ गए हैं। अभी क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला है ये जम करेगा ऊपर और बाकी आई लव यू को लेकर के आएगा। तो ये कितनी देर में करेगा, 30 100 कर देता हूँ, 100 सेकंड तक ये जम करेगा, तो 100 मीन्स की 15 तक एक एनिमेशन करते हैं, 70 + 15 = 85 में ये जहाँ गया आर जेड 90 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ। अब यहाँ आई प्रेस करके रोटेट कर दो आप, 85 पे यहाँ तक पहुँच गया ये, फिर बाकी और 15 तक मीन्स 100 तक ये और ऊपर जाएगा,
RZ90 और फिर पूरा घूम जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका क्या इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, यहाँ से ये दोनों आए ऐसे मिले, फिर एक साथ नीचे गए, फिर ये उठा कर घूमा, सॉरी 100 पे गया, इसको मैं वो नहीं गया, यहाँ गया ऊपर RZ90i की फ्रेम बन गया, ये घूमते हुए ऊपर पहुंच गया। अब ये जाएगा आई को लेकर के आएगा, तो हम यहां से आई को विजिबल करते हैं, आई विजिबल हो गया, लेकिन आई तो अभी यहां पे है, तो अभी क्या करेगा ये ज़ारा यहां तक पहुंचा, यहां पे आई सॉरी 100 नहीं, ये 100 के बाद तो थोड़ा टाइम रहेगा, 115 आधे सेकंड में यहां से इधर जाता है ये, आई और जो हमारा आई है ये भी इस टाइम पे यहां पे ही रहेगा इसके साथ में आई, और लेके कब आएगा 130 पे, 130 पे शिफ्ट प्रेस करते हैं, आई को भी मैंने सेट किया हुआ है और हार्ट को भी सेट कर लिया, एक साथ लेके आते हैं यहां पे, इसको भी एक की फ्रेम देते हैं और इसको भी एक की फ्रेम दे देते हैं। तभी आप देख सकते हो कि ये गया यहां से, फिर इसको लेकर के आया और यहां पे छोड़ दिया, फिर ये हर्ट क्या होगा, हर्ट यहां से कितनी पे लेके आया, 130 पे लेके आया, पे आकर के यहाँ पे ये स्टॉप होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लो होकर के स्टॉप होगा आई, इसको 150 तक यहाँ पर रोक देते हैं, एक सेकेंड से थोड़े कम भाग पार्ट के लिए आई, अब फिर क्या करते हैं, फिर इसको ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लेगा, ये पास में ही है, तो इसको मैं भेज रहा हूँ क्या कहते हैं 180 पे, 180 में ये यहाँ आ गया आई। अब दूसरे टेस्ट की जरूरत पड़ेगी हमें लव की, तो लव भी कहाँ पे है, लव ऊपर है, तब तक रहेगा उस टाइम तक, तो 180 पे लव ऊपर है, इसके बाद ये भी नीचे है, अब ये फिर लव को भी लेके आ जाएगा 30 सेकंड में 210, हम 210 फ्रेम पे जाएंगे, लव को सेलेक्ट किया मैंने और हार्ट को एक साथ सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें जो अगर एनिमेशन है हमारा एक साथ ही हो, ये आगे पीछे ना हो, आगे पीछे होगा तो फिर हम उसको एक बार चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, अगर आप बारी बारी करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आई प्रेस किया मैंने सिलेक्ट किया, फिर ये एल प्रेस किया आई सिलेक्ट, तो भी क्या था यहाँ से एडमिशन आया आई को छोड़ करके, वेट किया फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से लव को लेके आया यहाँ छोड़ा, अब ये जाएगा यहाँ पे इस साइड जाएगा, फिर जी कहाँ था 210 पे थे, तो 220 पे आते हैं 10 सेकंड, मतलब 10 सेकंड का मतलब एक डिफरेंस आप देख सकते हो गैप, कि इस गैप पे ही ये यहाँ से रहे अलग होगा आई, और 220 का 230 कभी आई, आपको दो जगह स्पेस देना पड़ेगा, अगर आप इसके अगर आगे ऐड कर देते हो चीज़ें तो फिर आपको इशू हो सकता है कि मतलब आप आगे बढ़ा रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है,
तो 230 तक यहाँ था, फिर 230 के बाद ये 250 तक नीचे लग जाएगा, 255 तक नीचे देखते हैं इसको जी, और ये यहाँ आ गया। अब हमें टीसी टेस्ट की जरूरत पड़ेगी डीओ की, तो यू यहाँ पे है, जी सेट, मैं इसको अब इसके ऊपर देखता हूँ, आई आई 255 पे यहाँ पे है, फिर यहाँ से फिर 30 एम करेंगे इसमें ऐड 285, और फिर मैं लव को सिलेक्ट कर, यू को सिलेक्ट करता हूँ और हार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, साथ जी प्रेस करता हूँ, अब देखो अभी भी साथ में आ गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, फिर की फ्रेम डालते हैं आई, और फिर आई इसको बढ़ा लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम 400 कर लेते हैं, तभी देखो अब ये एनिमेशन यहाँ से हुआ है, यू आया है, यू पे आप आ करके 285 पे छोड़ दिया इसने, अब 295 तक ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे आई, और फिर ये यहाँ पे रहेगा 320 तक, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं इसके लिए आई, मीन्स मैंने एक सेकंड का टाइम लिया है कि एक सेकंड तक यहाँ पे है, तो यहाँ तक शायद आपको बहुत सिंपल ये शायद आप कर भी सकते होंगे, ये बहुत सिंपल सा एनिमेशन था आई लव यू। तो अभी हम 320 तक एनिमेशन कर चुके हैं, अब हमें करना है क्या है, जो चौथा टेस्ट है हमारा, इसकी बारी आती है आर्ट एक्टिव्स की, इसे थोड़ा कर लेते हैं सेट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए कि मेन नाम है ये, ये हम ले आते हैं यहाँ पे, ये इसका सही जगह है, तो अभी क्या करना है हमको, पार्टिकल सिस्टम ऐड करना है, पार्टिकल सिस्टम ऐड करने के बाद इसको एनिमेट करना है, तो 320 तक ये यहाँ पर आ चुका है, ये आर्ट एक्टिव है, ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये टेक्स्ट है इसको मुझे मेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रेस करना है मुझे अल्ट सी मैच टू कर्व, अब ये कर्व हो चुका है, मीन्स एक मैच हो चुका है, ये पार्टिकल सिस्टम पहले नहीं आ रहा, पार्टिकल सिस्टम यूज करना है तो आपको इसको कर्व में चेंज करना ही पड़ेगा, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो हर्ट है इसको पार्टिकल, अब इसको पार्टिकल सिस्टम पर ऐड कन्वर्ट करना मुझे, और 320 तक पार्टिकल नहीं है तो इसका एंड करना है मुझे 320, और स्टार्ट भी करना है 320, मेरे 320 पे ही स्टार्ट होगा, 320 के पहले ये हर्ट जैसा ही रहेगा, और लाइफ टाइम से कर देते हैं हम 600, नंबर्स कर देते हैं कितने पार्टिकल होने चाहिए, 15,000 तो देखो अब जब अगर ये बनेगा तो ये कैसे होगा, ये सारा नीचे गिर जाएगा, हमें नीचे नहीं गिराना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसकी ज्योमेट्री करते हैं 0, फिजिक्स करते हैं 9, अब देखो आप अल्टे प्रेस कर रहा हूँ तो ये कहीं नहीं जा रहा, और हमें यूज करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम इसके अंदर रहना चाहिए बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अभी मैंने क्या सेटिंग की है, नंबर से ऐड किए हैं
स्टार्ट स्टॉप टाइम मतलब एक टाइम पे, क्योंकि अगर सुबह कम ज़्यादा करोगे तो ये धीमे धीमे पार्टिकल स्टार्ट होंगे, 15,000 बनने का टाइम लगेगा, और दोनों सेम होने पर स्टार्टिंग में ही 15,000 पार्टिकल्स होंगे। वेलोसिटी जीरो की है मैंने और फिजिक्स जीरो कर दिया मैंने इसकी, बिल्कुल कोई फिजिक्स नहीं है इसके अंदर। और सेम हमें क्या करना है, ये जो आर्ट एक्टिव्स लिखा है इसको भी करना है हमको सेम पार्टिकल सिस्टम में। यहाँ पार्टिकल पे गया, न्यू पे गया, सेटिंग हमको सेम इसकी करनी है, तो बस यहाँ से जाओ सेटिंग पे, पार्टिकल सेटिंग, जो सेटिंग इसमें थी अब ये सेम सेटिंग इसमें हो गई है। तभी आप कहोगे कि ये तीसरा ये पार्टिकल किस बात के लिए है, तीसरा इसलिए है कि हमें ये कन्वर्ट करके ये लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये करके यूज़ करके इसमें पार्टिकल सिस्टम नया ऐड करना होगा। इसके भी नंबर्स हम 15,000 रखेंगे जितने इसमें हैं दोनों में। ये भी स्टार्ट होगा 320 पे, और सॉरी 320 एंड, और ये 320 एंड, इसका भी लाइफ टाइम होगा 800। अभी देखो इसमें ये बाकी चीज़ें चेंज नहीं करनी, इसमें क्या हमें ये चेंज करना है, ये जो मिटना है जस्ट कीट करना है, कीट मिस हम इसमें की यूज़ करेंगे, तो इसमें दो की यूज़ करते हैं। तो पहले में क्या करते हैं हम, ये हार्ट अपना ऐड कर लेते हैं, और दूसरे में क्या करते हैं, सॉरी इसका क्या नाम है इस वाले टेस्ट का, टेस्ट थ्री, इसका नाम चेंज कर देते हैं जी अपने। डीडी में हो जाएगा भाई इसका, ओके डीडी में, कोई बात नहीं। ये कर दिया मैंने, तो अभी अगर आप प्रेस करोगे आर्टे तो आप देखोगे कि ये यहाँ से मूव होकर के यहाँ पे आने प्रेस कर रहा है, लिखा देते हो एनिमेशन कंप्लीट हो जा रहा है हमारा। तो इसमें एक और सिस्टम यूज़ करते हैं हम, यूज़ टाइमिंग, कितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसको हम टाइम यूज़ करते हैं 40 सेकेंड्स या 60 सेकेंड कर लेते हैं। तो अभी हम प्रेस करते हैं अल्टे, ये आकर के देख रहे हो बिल्कुल इसके ऊपर अटैच हो जा रहा है, लेकिन अभी जो आएगा अभी इसको अगर रेंडर करोगे आप तो एक अलग टाइप की इमेज आएगी। देखो आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, ये ऐसा वाइट वाइट से आएगा, ये रेडिट से आता कुछ आएगा, तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि ये की भी हार्ट जैसा आया। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, इसके लिए हम जाएंगे नीचे रेंडर के नीचे, यहाँ हॉलो है, हॉलो को हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और जो तीसरा हार्ट था जो कि हमने बना रखा था साइड में कर रखा था ये वाला पार्टिकल हार्ट, वो यूज करेंगे। यहाँ सेलेक्ट किया हम ऊपर वाला ऑब्जेक्ट में, क्या पार्टिकल हार्ट। अब देखो आप इसका ये कलर चेंज होता है, अब हम एक्सेल करके प्रेस करके देखो आप, ये छोटे छोटे हार्ट हैं जो कि ये हार्ट इनके साथ ये वाले हार्ट थे वो हार्ट हैं। तो अभी मतलब इसको मैंने ज़्यादा कुछ एनिमेट नहीं किया, इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो थोड़ा सा भी चाहो तो, अगर आप चाहो तो उसमें थोड़े से रैंडमनेस ला सकते हो, रोटेशन ला सकते हो, जैसे आप रोटेशन लेके आएंगे रोटेशन लेके आएगा आपको इसमें मतलब ये वेलोसिटी, और इसके बाद ही काफ़ी चीज़ चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा और, मतलब कि अगर इसको आप और वर्क करोगे इस पर तो और कुछ कर सकते हैं, वेलोसिटी इसकी चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या होगी और इसको बढ़ा देते हैं, इसे कर लेते हैं 15, तो ये आपका 320 से स्टार्ट हो रहा है, तो 380 तक शायद ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, 380 तक हो जा रहा है, तो
तो हमारा जो टोटल टाइम है इसको कर लेते हैं 4:10, थोड़ा सा आगे भी। तो ये जो हर्ट था अभी इसके पहले यहीं पे था, अब क्या होगा, ये हर्ट जब ये हर्ट यहाँ आता है 320 पे आता है, तो 320 पे ये हर्ट ऊपर आ जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ लाते हैं तो 320 के पहले 319 पे इसको आप वो कर लो हाई। तो ये अगर 319 में अगर आपने की फ्रेम दे दिया इसको, तो 319 तक ये यहीं पर रहेगा, 319 के बाद आगे बढ़ेगा। तो 325 तक इसको ऊपर करते हैं, इसको मैं ऊपर लेके आ गया, यहाँ लेके आ गया, इसको और थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने, जी से ग्रैब किया और यहाँ पे फिर आर थोड़ा रोटेट करके जी से ग्रैब किया और यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। तो अब आपका एनिमेशन पूरा कंप्लीट है, इसको आईएसई करते हैं। अब इसको पूरा जीरो से प्रेस करते हैं, अभी थोड़ी सेटिंग इसमें और करनी बाकी रह गई और बताता हूँ आपको भी। हमारा हार्ट आता है, दोनों मिलते हैं, नीचे जाते हैं, फिर एक घूमता है, फिर यहाँ जाता है, फिर आई लेके आता है, फिर ऊपर जाता है, लव लेके आता है, फिर यू लेके आता है, फिर उसके बाद वो हर्ट वहाँ जाता है और फिर ये मॉर्फ होकर के आपकी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमारा यू जो है वो तेज भाग रहा है, तो यू को हमें थोड़ा सा इसके साथ बाउंड करना पड़ेगा आई, यू की लगता लड़ाई रखी है इससे, आई अगर थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको अगर पर सीन भी कर सकते हो, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए, तो छोटे प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा थोड़ी बहुत चीज़ें आप आसान से कर सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स ये अभी अभी क्या करना होगा, अभी अगर जैसे आप ये देखो, अभी जो ये आर्ट एक्टिव से आर है, हमें इसको अभी रेंडर नहीं करना है, अगर अभी आप इसको अगर F12 करते हो तो ये आर्ट एक्टिव दिखा, जो कि दिखना नहीं चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए जबकि ब्लास्ट में आना चाहिए। तो इसमें पहले कंट्रोल सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आओ GD नेम है, ये जो कैमरे वाला सेक्शन है इसका मतलब ये रेंडर, अगर इसको आप सिलेक्ट कर देते हो तो ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ दिख रहा है लेकिन अगर मैं रेंडर करता हूँ उसको तो ये दिखेगा नहीं, ये देखो आप नहीं दिख रहा है। अब ये जो शेप लेगा वही शेप आपको दिखेगा, ये 380 तक शेप ले रहा है, अगर फिल कर रहे हो आप ये देखो, अब ये वाला शेप इसमें दिख रहा है केवल, ठीक है। तो एक सेटिंग ये कर ली आपने, दूसरी सेटिंग क्या करनी है, ये जो हर्ट दिख रहा है ये 390 तक भी दिखना चाहिए और 320 तक नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो इसके आगे अगर ये हर्ट दिख रहा है तो अगर आप यहाँ से अगर एंटर कर रहे हो F12 से तो ये जो हर्ट है ये हर्ट भी दिख रहा है यहाँ पे और ये भी दिख रहा है, तो इसको हर्ट को ब्रेक होना है तो ब्रेक होने के बाद दिखना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ से आओ, ये मैं दोनों कर देता हूँ कि मैं बिना उसके रेंडर के देख सकूँ। 319 पे क्या है, 319 पे यहाँ पे आई प्रेस करो आप, ये फिर यहाँ पे आई प्रेस करो
रेंटर में और इसके व्यू में दोनों में ये विजिबल है। और जब 320 पे आते हैं तो पार्टिकल पैदा हो गए, ये पैदा हो गया, इसको आप हाइड करो, आई प्रेस करो, इसको आप हाइड करो, आई प्रेस करो, तो 319 तक तो ये सारा मतलब कि आपको दिख रहा होगा हार्ट, 320 के बाद ये हार्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो अभी देखोगे आप, रेंडर का भी दिखा रहा हूँ, अब अगर रेंडर करोगे आप तो केवल ये हार्ट दिखेगा, बाकी चीज नहीं दिखेगा, और हार्ट आपका एक शेप लेता हुआ दिखेगा कि ये हार्ट शेप ले रहा है। तो आप कह सकते हो कि मेरे दिल से आवाज आ रही तुम्हारे लिए प्यार प्यार भाई ऐसा कुछ। तो फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा ट्यूटोरियल, सिंपल सा। अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ, एनिमेट करने के बाद हो सकता है कि आपको मेरे वीडियो के पहले ही देखने को मिल जाएगी सारी चीज़ें। और मैंने आज थोड़ी सी आपको, अगर आप देखोगे तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि मतलब थोड़ा एनिमेट तो आप सब जानते हो कैसे करना है, कीपिंग यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। और जो लोग पहली बार यूज़ कर रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, मेरा बहुत सारी चीज़ें बनाते रहता हूँ ऐसे। और दूसरी चीज़ आपने देखी पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम कैसे यूज़ करना है, और पार्टिकल सिस्टम मॉर्फिंग कैसे करनी है कि ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे आना है। तो ये थोड़ा ट्यूटोरियल था और सिंपल आपने बैकग्राउंड लगाना सीखा, मुझे लगता है शायद बहुत लोगों को नहीं आ रहा, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, तो ब्लेंडर रेंडर बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं ये सीखिए आपने। तो अभी मैं इसको फ्रेंड्स एनिमेट करता हूँ, एनिमेट करने के लिए अगर मुझे लगता है कोई नए लोग हैं उनके लिए सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ आना है, यहाँ पे आउटपुट जो फोल्डर है ये सिलेक्ट कर लो आप कोई सा भी जहाँ पे आप सेट करना चाहते हो। तो टेक्सचर में डाल देता हूँ मैं, वैलेंटाइन डे आई लव यू। ये आइडिया मुझे ऐसे आया क्योंकि मैं बहुत से लोगों को बना देते रहता हूँ, मैं कार्टून बनाता हूँ यार। इसको AVI में डालना है, ये भी देखोगे आप पिक्चर फॉर्मेट है, AVI आपका मूवी फॉर्मेट है, मूवी में लाना तो मूवी के लिए AVI में करना होगा। तो बस ये सारी चीज़ें कर दो आप, और इसके बाद एनिमेट पे क्लिक करना, उसके पहले कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दो आप। लाइटिंग के लिए देख लो आपकी लाइटिंग के लिए मैंने बता रखा है, सिंपल यहाँ पे आकर के आपको एम्बेड ऑर्गन करना है, कोई सेटिंग ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ब्लेंडर एंडर में ब्लेंडर के बाद साइकिल में आओगे, साइकिल्स में आपको कुछ अलग तरीका करना होगा, यूज करना होगा, लेकिन साइकिल्स बहुत स्लो है तो आप यूज ना ही करो तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको एनिमेट करता हूँ, और एनिमेट करने के बाद मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा ही ऑनलाइन, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो के पहले। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरा अगर चैनल भी अच्छा अगर आपके काम आता है तो उसको आगे बढ़ाओ। और इसके कलर्स आप चेंज भी कर सकते हो, अगर इसके फॉन्ट चीज़ें अगर चेंज नहीं कर पा रहे सिंपली आपको इतनी नॉलेज तो सर आप होगी, और नहीं होती तो अगर आप और अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बता दूँगा मैं, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मुझे कमेंट करो अगर मैंने कुछ गलती की है, कुछ कलर सिस्टम मैंने गलत यूज़ कर रखे हैं या कोई गलत मिला रखा तो कमेंट में बताओ मुझे। तो थैंक यू दोस्तों, और मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बाय बाय।